कंगना रनावत ने मुंबई को पीओके से कंपेयर किया था, इस बात को लेकर झेलनी पड़ सकती है सजा। आखिरकार क्या चल रहा है पूरा माजरा, चलिए आपको बताती हूँ। नमस्कार, मैं हुरदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। जिस तरीके से ड्रग्स मामले में कंगना रनावत आगे सामने आई थी और उसके बाद में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र जो है वो सेफ नहीं है, इसके बाद में संजय राउत ने भी मुंह जबानी, जंग जो थी वो शुरू हो चुकी थी संजय राउत और कंगना रनावत के बीच में। आपको बता दूं, वहां पर संजय राउत धमकी देते हुए नजर आए इस बात को लेकर कि कंगना को मुंबई में वापस नहीं आना चाहिए, तो वहीं कंगना रनावत ने ये बात कह दी कि संजय राउत ने मुझे धमकी दी है कि मैं मुंबई वापस ना आऊं। तो क्या मुंबई के गलियारे पीओके के जैसे हो गए जिसमें वापस आने में हमें डर लगे? वेल, इस बात को लेकर अब जो है एक और मुद्दा खड़ा हो गया है। यहाँ पर कंगना रनावत के खिलाफ श्रीनगर में एक एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि मुंबई को पीओके से कंपेयर करने के जुर्म में कंगना को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और साथ ही देशद्रोह का चार्ज उनके ऊपर लगना चाहिए। आपको बता दूं, यहाँ पर संजय राउत और कंगना रनावत के बीच ऑलरेडी मुंह जबानी ये जो मतभेद है बहुत ज्यादा चल जाए, अब ऐसे में श्रीनगर के अंदर एफआईआर दर्ज होना और साथ ही जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं देशद्रोह के, ये भी काफी ज्यादा बड़े एलिगेशंस हैं। लेकिन ये देखना होगा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद में किस तरीके से एक्शन रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। आप लोगों की राय क्या है इस मामले में, आप नीचे कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।